दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्शन हीरो सनी देओल का फिल्म रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में 11 अगस्त को, जिसने इतिहास रचा ही नहीं बल्कि इतिहास बनाया है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कलेक्शन करके बॉलीवुड के कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फिलहाल फिल्म को रिलीज हुआ सिनेमाघरों में 46वां दिन चल रहा है। 45 दिन ये फिल्म सिनेमाघरों में कंप्लीट कर चुकी है और इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं गदर 2 अपने पहले 45 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 46वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई कर रही है। तो वही दूसरी तरफ बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। बॉलीवुड के सारे बड़े रिकॉर्ड, अब तक के सारे बड़े रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ चुकी है और बॉलीवुड के और साउथ के कई बड़े रिकॉर्ड को ये फिल्म अपने नाम कर चुकी है, जो कि अब तक के सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और फिल्म को रिलीज हुआ सिनेमाघरों में 19वां दिन चल रहा है, तो फिल्म अपने पहले 18 दिनों में टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, आज 19वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई कर रही है, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और बॉलीवुड के सबसे बड़ा एक्शन हीरो सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे फिल्म गदर 2 की, जिसने सिनेमाघर में इतिहास बनाया है। गदर 2 जो कि अनिल शर्मा के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बनी थी, जिसका बजट 100 करोड़ रुपए से भी कम का था और फिल्म में हमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा अहम किरदार में नजर आए थे। लेकिन फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाई की, क्योंकि सिर्फ 3800 श्रेणियों पर रिलीज हुई थी ये फिल्म गदर 2, लेकिन सिनेमाघरों में गदर 2 ने जो भीड़ लौटाई है, जो रौनकें लौटाई है, वाकई वो बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी गर्व वाली बात है, क्योंकि गदर 2 ने वो करके दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। आपको बता दें कि अपने पहले दिन जहां 40 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई कर ली थी इंडिया के अंदर गदर 2 फिल्म, तो उसी दिन इंडिया में वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था वो लगभग 54 करोड़ रुपए का रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें 45वें दिन की, क्योंकि 45वें दिन फिल्म का 7वां संडे था, क्योंकि 6 हफ्ते ये फिल्म कंप्लीट कर चुकी है, 7वें हफ्ते भी ये फिल्म चल रही है और 45वें दिन फिल्म का 7वां संडे था, तो फिल्म ने कमाई की है अपने पहले 7वें संडे को लगभग 60 लाख रुपए की। तो फिल्म की जो 45 दिनों की जो टोटल कमाई ही वो इंडिया के अंदर 523 करोड़ 30 लाख रुपए नेट हो चुकी है, तो वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन वो 690 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर हम बात करें फिल्म की 46वें दिन की, तो आज भी ये फिल्म पूरे इंडिया के अंदर लगभग 25 लाख रुपए कमा रही है, तो फिल्म की जो टोटल कमाई है वो 523 करोड़ 55 लाख रुपए इंडिया से नेट हो रही है, तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 690 करोड़ 30 लाख रुपए हो रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और फिल्म अब जो बना रही है वो लगभग बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाते जा रही है और बहुत जल्द ये फिल्म पठान को भी हिंदी भाषा में पीछे छोड़ने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें फिलहाल कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान के बारे में, क्योंकि शाहरुख खान ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं, ऐसे बॉलीवुड के एक्टर बन चुके हैं, ऐसे किंग खान बन चुके हैं, जिन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर अंदर 1000 करोड़ की 2 फिल्में दिए हैं और इस साल 2023 रहा शाहरुख खान के नाम। तो हम आपको बता दें कि जवान फिल्म सिनेमाघरों में बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है, 1000 करोड़ अपने 18 दिनों में ये फिल्म पार कर रही है। लेकिन फिलहाल हम अगर बात करें अभी तक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आपको हम बता दें कि अटल कुमार के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसका बजट 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था और फिल्म को पूरे वर्ल्ड में लगभग 10,000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में 74 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर ली थी, तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 129 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें 17 दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो 17वें दिन फिल्म की कमाई रही थी 12 करोड़ 25 लाख रुपए की, क्योंकि इस दिन फिल्म का तीसरा सैटरडे था, तो अपने पहले 17 दिनों में फिल्म जो कमाई की थी 545 करोड़ 83 लाख रुपए इंडिया से नेट हो रही थी, तो वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 656 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 324 करोड़ रुपए और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में अपने पहले 17 दिनों में फिल्म जवान 980 करोड़ रुपए कर लिए थे। अब 18वें दिन फिल्म की कमाई रही 15.5 करोड़ रुपए की और आज 19वें दिन वर्किंग डे है, मंडे के दिन है, यानी कि तीसरा मंडे है फिल्म का, आज ये फिल्म कमा रही है लगभग 7 करोड़ रुपए। तो फिल्म की जो टोटल कमाई है 19 दिनों की वो 568 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रही है, तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 1018 करोड़ की आंकड़ा पार कर रही है और ये बहुत अच्छी बात है और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लेकिन गदर 2 या फिर जवान, इस दोनों फिल्मों से आपको कौन सी फिल्म बहुत अच्छी लगी है कमेंट में जरूर बताना और ज्यादा वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।